जौनपुर का मंगेश यादव, जिसका अभी कुछ दिन पहले ही एनकाउंटर हुआ था और उनके घर पर हम आज हम लोग पहुँचे हैं। चूँकि पुलिस का कहना था कि जो है कि एक अपराधी है, इसलिए एनकाउंटर किया गया। आप सामने उसकी तस्वीर देख पाएंगे कि 5 सितंबर 2024 के दिन, गुरुवार के दिन, स्वर्गीय उनका जो देहांत जो है वो 5 सितंबर को हो गया। फिलहाल घर पहुँचे, इनका घर का जो है माहौल आप देख पाइए, कुछ इस तरह का ये घर है और बगल में एक कमरा है। जैसा कहा जा रहा है कि इनका एकमात्र ही कमरा है और बगल में जो ये एक झोपड़ी है जहाँ पर कि ये लोग रहते हैं। फिलहाल उनके सिस्टर हैं, चूँकि इनकी सिस्टर का ही एक बयान बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि जब लेकर गए उस समय 2 बजे, तो उसमें इनका कहना था कि जो वारदात हुई उस समय ये फीस जमा करने गए थे। यही बात बार बार सामने निकल के आ रही है। तो हमारे भी मन में एक प्रश्न उठा कि आखिरकार जब इनका कहना है कि जब वो फीस जमा करने गए, तो आखिरकार पुलिस उठाकर लेकर क्यों गई, और लेकर गई तो फिर एनकाउंटर क्यों कर दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस यादव है। आप उनकी सिस्टर हैं? हाँ। इकलौती सिस्टर हैं? हाँ, और एक भाई भी था। मतलब आप दोनों लोग ही केवल परिवार में थे, मतलब मंगेश यादव और आप दो लोग? हाँ, केवल हम ही दो लोग थे। और जैसे लोग घटना को बता रहे हैं कि कैसे, आपने तमाम चैनलों पर तो बताया है, लेकिन हमारे ऑडियंस आपसे जानना चाहते हैं और कि कैसे ये घटना घटित हुआ था, कैसे वो आपके यहाँ पुलिस पहले पहुँची, फिर कैसे लेकर यहाँ से गई मंगेश यादव को। वही 28 तारीख को जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन भाई हमारे साथ स्कूल पे गया था। करीब 9-10 बजे फीस जमा करने, हम आपको प्रूफ दिखा सकते, लेकिन उस दिन हम पता नहीं कैसे वो फीस कार्ड ही भूल गए यही घर पे। जब वापस आए तो देखे भाई हमारा घर पे ही था, कहीं गया भी नहीं था। और जब सोमवार को 2 बजे रात को ये पुलिस वाले ड्रेस में नहीं थे, कुछ लोग आए तो वो पूछे ताशे कि हम लेकर जा रहे हैं, उनको पूछताछ करके छोड़ देंगे। तब हम उनसे बात किए, क्यों आप लेकर जा रहे हैं, आप हम लोग को भी मारे डांटे, लेकिन वो बोले कि हम सुबह तक छोड़ देंगे पूछताछ करके। तब छोड़े नहीं, हम लोग को डराए धमकाए। फिर घर में कुछ चेक किए, कुछ नहीं मिले, बस भाई का फ़ोन मिला और हमारा भी फ़ोन ले लिए। वो जब जाने लगे फ़ोन दिए, उसके बाद कुछ वीडियो भी बनाए वो, जो मम्मी पापा का नाम, हमारा नाम, और बोलो कि उसमें वो लोग थे शामिल कि नहीं शामिल, यही सब वीडियो भी बनाए और सब झूठ झूठ करवा के। फिर जब लेके जाने के बाद भी वो लोग आ रहे थे कि ताकि इन लोग को, गाँव वालों को किसी को पता भी ना चले, ऐसे वो लोग काम कर रहे थे। अच्छा, मतलब जब से फिर 28 किस दिन लेकर गए थे? 2 तारीख को सोमवार को। 2 तारीख को सोमवार को रात में ले गए? हाँ, रात में 2 बजे लेकर गए। ये खबर आपको 5 तारीख को मिलती है? 5 तारीख की जब उसकी डेट हो जाती तब मिलती है। डायरेक्ट आके मम्मी से बताते हैं कि बताता है, पुलिस वाले आते हैं तो बताते हैं आप कुछ जानती हैं? मम्मी बोले नहीं हम कुछ नहीं जानते, बोले कि उनकी डेट हो गई, ऐसे डायरेक्ट मम्मी से बता रहे हैं। मम्मी भी उसी समय बेहोश हो गई, नहीं चल बोल पाई, कुछ नहीं कह पाई। फिर ऐसे ऐसे सब करने लगे वो लोग। चलिए, ये तो घटनाएं रही वहाँ की। अभी आपके यहाँ बहुत सारे लोगों का आवागमन हो रहा है, मतलब फिर जैसे अखिलेश यादव से फिर कैसे वार्ता हुई, फिर ये मामला जब तुल पकड़ता है? तो हमारे ऋषि भाई बात किए हैं। अच्छा। उनसे अभी हम लोग को स्थिति तो देख रहे हैं। घर, आपके घर पे भी तो फोन करके अखिलेश यादव ने किसी से बात किया था परिवार से? अब हम लोग ऐसे रोन, थोड़ा हमारा दिमाग नहीं सही था, तो मम्मी भी योसी चल रही है, हम तो अभी नहीं कर पाए कुछ, पापों पर या कोई ना कोई तो किया है, तभी तो बता रहे हैं। तब भाई चलिए, मतलब आपको क्या लगता है कि ये, मतलब पहले भी तो इसमें खबरें ये भी चले कि 8 केस पहले से भी उनके ऊपर दर्ज थे? सब फर्जी किए हैं, मोबाइल वो जैसे खरीदे थे, कोई चुराया था तो उनको फर्जी मुकदमे पे उसी फंसाया गया, फर्जी काम करवा के, और वो लोग इनाम धरवा के उसको मरवा दिए घर से लेकर। 1 लाख का इनामिया बता रहे हैं? हाँ, 1 लाख घर से लेकर जाके वो मरवाए हैं। तो पहले से क्या कोई से दुश्मनी भी है क्या? कहीं नहीं दुश्मनी कुछ नहीं थी, कहीं नहीं। अब क्या किसी से, किससे सहायता की उम्मीद लग रही है अब तो? और क्या काम करते थे भाई? भाई पहले पापा के साथ रहते थे, फिर आए थे, कुछ मम्मी की दवा ववा दिलवानी थी, कोई घर पे था नहीं तो भाई ही था। तब हमें भी उस दिन स्कूल पे लेके गए और खेती बाड़ी का काम जो था वो कर रहे थे, यही सब था। फिर लाइसेंस बनवाए थे, रिन्यूअल करवाना था, उसे आए थे करवा लिए, सोचे इसी में करवा लेंगे हम चले जाएंगे, और ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके ऊपर सब फर्जी मुकदमे करवा के और उसको मरवा दिए, तो सब पिस्टल बंदूक पिट्ठू बैग सब ये सब दिखा रहे। जब उसकी जान चली गई तब कुछ भी आप कर सकते हैं उसके साथ।
कितनी गोलियां लगी थी? दो यहाँ लगी थी, तीन ठो यहाँ शायद लगी थी और यहाँ लगी थी, और पास एकदम पास मिला जाके मारे हैं ना, आई थी उनकी डेड बॉडी आई थी देखे हम लोग। चलिए, मतलब क्षण तो बड़ा गमगीन है परिवार का, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, जो आपसे लोग मिलने आ रहे हैं, नेता लोग भी आ रहे हैं, तो उनसे क्या मतलब कोई सहायता मिल रही है, क्या बातचीत हो रहा है? अभी पापा ही बता सकते हैं इस सब बारे में, हम नहीं कुछ जानते हैं। पापा बताएंगे, चाचा बता सकते हैं। तो इसके लिए कुछ और भी जांच की मांग करती हैं? अभी मजिस्ट्रेशियल जांच के तो आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन डिमांड करती हैं परिवार के, हम CBI जांच चाहते हैं, हमारी CBI जांच हो, उन लोग को भी मारें, नहीं तो हम तीनों को मारें। अब हमारा भाई तो वैसे भी चला गया, हम लोग को कुछ नहीं। यूपी पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है? कुछ नहीं, अब आप पापा बस बात कर सकते हैं हमारे साथ। चलिए चलिए, देखिए उनकी सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हुई थी और परिवार का गम है, और एक अकलौता भाई मतलब इस दुनिया से चला गया है, और जैसा है कहना है कि 8 FIR हैं, लेकिन इनका कहना है कि सब फर्जी हैं। अब ये तो जांच के बाद आदेश में, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार हकीकत क्या थी। फिलहाल हम लोग उनके घर पर थे और उनके घर का सीना आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि मतलब पहले जब 8 केस थे और चोरी वगैरह का भी बड़ा छिनैती का आरोप है, तो मतलब इसी तरह का घर है आपका? तब वो चोरी करता, वो ऐसा काम करता, तो हम लोग को भी घर और बनता, फिर गाड़ी वगैरह रहती, ऐसी थोड़ी ना हम लोग स्थिति में रहते हैं। सब फर्जी फर्जी काम करके सब फंसाए गए उसको, उसको इनाम देकर मरवाए। उसमें भी 3 लोग थे, 2 लोग पे पैर पे गोली लगी और इनको जो सीधे ऐसे सूट वो लोग जाति बिरादरी देख के मारे हैं ना, उनको भी तो वो किया भी होता, गया भी होता, तो उनको भी पैर से आप मार सकते थे ना। उनको जात बिरादरी देख के उनको नहीं मारे, उनको छोड़ दिए हैं और इनको जान से मार दिए। कौन से जात बिरादरी की बात? वो शायद एक बिपिन सिंह है और सचिन सिंह है, ऐसे ऐसे सब लोग हैं, अभी तो हम लोग को कन्फर्म नहीं है। तो कहने का मतलब कि सिंह है तो इसलिए नहीं मारा गया? हाँ, उन लोग को इसीलिए नहीं मारा गया, उन लोग को पहले पकड़े, पहले क्यों नहीं मारे उनको, पहले इनको क्यों छोड़ दिया गया? वो था मतलब भी जातिवादिता का आरोप आप भी लगा रहे हैं कि मतलब इसमें जाति को देख कर किया, जातिवादी का देख कर काम किए हैं। जब उस समय और पुलिस वाले बोल भी रहे हैं हम 2 लोग को पकड़े, तो उन लोग से साथ में कैसे वो छूट गया? ऐसी पुलिस कमजोर थी कि जो उनको छोड़ दिया, उनको भी तो पकड़ना चाहिए था, इतना तो कमजोर थे नहीं, इसको इनाम देकर मरवाए गए हैं, हम यही जानते हैं। चलिए देखिए, ये मंगेश यादव की सिस्टर थी, और अब काफ़ी कितनी उम्र होगी आपकी? हमारी 16 है। 16? किस क्लास में पढ़ती हैं? आई है हाई स्कूल में। हाई स्कूल में, चलिए हाई स्कूल की छात्रा हैं और अभी नाबालिग हैं, और कहीं ना कहीं मंगेश यादव की उम्र कितनी थी? 20-21 थी शायद। हाँ, इतनी मतलब इतनी छोटी उम्र में सोचिए घर के एकमात्र चिराग वो चला गया। फिलहाल देखिए हम लोग उनके घर पर थे और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब चोरी वगैरह करते तो आखिरकार इनका घर भी VIP बनना चाहिए था, जैसा इनकी सिस्टर का कहना है। लेकिन आप इनके घर की एक तस्वीर देख पाएंगे, किनारे एक कच्चे मकान का मिट्टी का जोड़ा गया ये घर है, बगल में ये झोपड़ी है, और फिलहाल ये तस्वीर इनके घर से है। और चले ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही तमाम और भी आगे हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।